दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है उर्दू अदब के शोरा की तफसीलात, यानी उर्दू साहित्य के कवियों का विवरण। और ये वो कवि हैं ज्यादातर जिनका ताल्लुक क्लासिकल शायरी से है। आपके हमें बहुत से सजेशन या मशवरे मिलते रहते हैं कमेंट्स बॉक्स में, तो अक्सर और बेशतर वो लोग ज्यादा हमें मशवरे देते हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, यूपी एसएससी, एसएससी या यूजीसी, नेट या बीएसएससी। तो इस तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें उर्दू एक सब्जेक्ट की हैसियत से मौजूद है, तो वो लोग अक्सर और बेशतर हमें इस तरह के वीडियोस बनाने का मशवरा देते हैं। तो उन्हीं मशवरों पर अमल करते हुए हम इससे पहले भी आपकी नज़र कई वीडियोस कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में भी हम उन्हीं लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें उर्दू एक सब्जेक्ट की हैसियत से मौजूद है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में मशहूर चंद मशहूर क्लासिकल शोरा की तफसील आपको बताई है, या हम बताने जा रहे हैं आपको। और शुरुआत हम करते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी से, जिनका तखल्लुस है सौदा और जिनका वतन था दिल्ली, और सने पैदाइश या जाए पैदाइश है 1713 ईस्वी दिल्ली में, और उनकी वफ़ात हुई है 1781 में दिल्ली में ही। उसके बाद है ख्वाजा मीर दर्द, दर्द तखल्लुस है उनका, वतन उनका दिल्ली है, सने पैदाइश और जाए पैदाइश है 1721 दिल्ली में, और वफ़ात हुई है 1785 में दिल्ली में ही। उसके बाद है जिन्हें हम खुदाए सुखन कहते हैं, मीर मोहम्मद तकी मीर, जिनका तखल्लुस है मीर, वतन है आगरा, सने पैदाइश और जाए पैदाइश है 1723 ईस्वी आगरा में, और वफ़ात हुई है 1810 में लखनऊ में। तो अगर आपने मीर को बाकायदा पढ़ा है तो उनकी शायरी में जा बजा जो ये हिजरत थी उसका दर्द मौजूद है उनकी शायरी में, उनके अशार में हमें जा बजा दिखाई देता है। फिर है शेख इब्राहिम ज़ौक, ज़ौक उनका तखल्लुस है, वतन दिल्ली है, सने पैदाइश या जाए पैदाइश है 1789 ईस्वी दिल्ली में, और वफ़ात हुई है 1854 ईस्वी दिल्ली में ही। उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, आइकॉनिक पोइट या शायर, भले ही आप उर्दू अदब से वाकिफ हो ना हो लेकिन आप गालिब से ज़रूर वाकिफ होंगे। वतन उनका है आगरा, सने पैदाइश जाए पैदाइश है 1797 ईस्वी में आगरा में, और वफ़ात हुई है 1869 में दिल्ली में। फिर है हकीम मोमिन खां, तखल्लुस उनका मोमिन है, वतन है उनका दिल्ली, सने पैदाइश है 1801 और जाए पैदाइश है दिल्ली, वफात उनकी हुई है 1852 में दिल्ली में ही। फिर है दाग दहलवी, जिनका असल नाम नवाब मिर्जा खान है, तखल्लुस उनका दाग है, वतन दिल्ली है, सने पैदाइश 1831 ईस्वी दिल्ली, जाए पैदाइश है, वफात उनकी हुई है 1905 में हैदराबाद में। अमीर मीनाई, तखल्लुस अमीर इख्तियार किया, वतन लखनऊ, सने पैदाइश है 1829 लखनऊ में, और वफात हुई 1900 ईस्वी में हैदराबाद में। नज़ीर अकबर आबादी, जिनका तखल्लुस नज़ीर है, वतन अकबराबाद है, सने पैदाइश 1740 दिल्ली में, और वफात हुई है 1830 ईस्वी में। फिर फैज़ अहमद फैज़, तरक्की पसंद शायरी के सबसे नुमाया शायरों में फैज़ अहमद फैज़ का नाम है। उम्मीद है कि आपने उनकी शायरी ज़रूर पढ़ी होगी। तखल्लुस फैज़ है वतन नरवाल ज़िला पंजाब बरतानवी हिंद में, यानी अनडिवाइडेड इंडिया में, सने पैदाइश 13 फरवरी 1911 सियालकोट में, और वफात हुई 20 नवंबर 1984 को पाकिस्तान में। फिर आते हैं मीर अनीस, मरसिया निगारी का सबसे बड़ा नाम, मरसिया जो उर्दू की एक सिंफ है उसमें एक सबसे बड़ा, सबसे आइकॉनिक पोएट
मीर अनीस। तखल्लुस अनीस है वतन फैजाबाद, सने पैदाइश और जाए पैदाइश है 1902 फैजाबाद में और वफात हुई 1874 में लखनऊ में। अगर आपने मीर अनीस के मरसिए पढ़े हैं तो ज़रूर आप उनसे वाकिफ होंगे अच्छी तरह से, उनका क्या अंदाज है, किस तरह से वो एक किस्से को अलग अलग मौजू दे अलग अलग रंगों में बांधते हैं। और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा मशवरा है कि मीर अनीस को ज़रूर पढ़ें। दूसरा मरसिए के हवाले से दूसरा बड़ा नाम है सलामत अली दबीर। तखल्लुस है दबीर, वतन है दिल्ली, सन पैदाइश है 1803 ईस्वी दिल्ली में और वफात हुई है 1875 में लखनऊ में। मीर हसन देहलवी गुलाम हसन। तखल्लुस हसन, वतन दिल्ली, सन पैदाइश 1867 दिल्ली में, वफात हुई है 1782 में दिल्ली में। पंडित दयाशंकर। तखल्लुस है नसीम, वतन है लखनऊ, सन पैदाइश जाए पैदाइश 1811 लखनऊ में और वफात हुई है 1845 में लखनऊ में ही। हसरत मोहानी, जिनका असल नाम सैयद फजलुल हसन है। तखल्लुस है हसरत, वतन है मोहान उत्तर प्रदेश में, सने पैदाइश है 1874 मोहान और वफात है 1951 में लखनऊ में। फानी बदायूनी, जिनका असल नाम शौकत अली खान है, उनका तखल्लुस फानी है, वतन बदायूं, सने पैदाइश जाए पैदाइश है 1889 बदायूं में और वफात हुई 1961 में दक्कन हैदराबाद। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, तखल्लुस हाली है, वतन पानीपत है, सने पैदाइश 1837 पानीपत और वफात हुई 1915 में पानीपत में ही। इस्माइल मेठी, तखल्लुस है इस्माइल, वतन है मेरठ, सने पैदाइश 1844 मेरठ और वफात हुई 1917 में मेरठ में ही। फिर है अकबर इलाहाबादी, जिनका असल नाम अकबर हुसैन रिजवी है, तखल्लुस अकबर इख्तियार किया, वतन इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज बोलते हैं, सने पैदाइश 1846 और इलाहाबाद में तहसील पारा में उनकी पैदाइश हुई है, वफात है 1921 में इलाहाबाद में। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, तखल्लुस है चकबस्त, वतन है फैजाबाद, सने पैदाइश है 1882 फैजाबाद में और वफात है 1926 ईस्वी में फैजाबाद में। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, तखल्लुस है इकबाल, वतन है कश्मीर, सने पैदाइश जाए पैदाइश 1877 सियालकोट में और वफात हुई 1938 में लाहौर में। असगर गोंडवी, जिनका असल नाम असगर हुसैन है, तखल्लुस असगर इख्तियार किया, वतन है गोरखपुर, सने पैदाइश है 1884 गोरखपुर और वफात हुई है 1936 में गोंडा में। शब्बीर हसन खान, तखल्लुस है जोश मलियाबादी, वतन है मलियाबाद, सने पैदाइश है 1898 मलियाबाद में और वफात हुई 1982 में इस्लामाबाद में। फिर है रघुपति सहाय, जिन्हें हम फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं, जिनका तखल्लुस फिराक गोरखपुरी है, वतन है गोरखपुर, सने पैदाइश है 1896 गोरखपुर में, वफात हुई 1982 में दिल्ली में। फिर है अली सिकंदर, जिन्हें हम जिगर मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, जिनका वतन है मुरादाबाद, सने पैदाइश है 1890 मुरादाबाद में और वफात हुई 1960 में गोंडा में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो पर आपके मशवरों का हमें इंतजार रहेगा कमेंट्स बॉक्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।